सब लोग आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ओलिंग स्टार बना सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दो स्क्वायर पेपर्स लगेंगे। मैं पहले इस स्क्वायर पेपर को साइड पे रखता हूँ और फिर इसे मैंने ये वेस्ट पेपर लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी कप यूज कर सकते हैं। आपको मिडल में इसको फोल्ड करना है गाइज, मिडल में जैसे हमारे पास ना जाए, और फिर इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। तो फिर आप पूछेंगे कि हम लोग ऐसे कर भी तो फोल्ड कर सकते हैं? नहीं गाइज, वो उस तरीके से आपका निंजा स्टार अच्छा नहीं बनेगा। इसको ऐसे कर आपको ऐसे करना होगा। मैं इसको दो बार रिपीट करने वाला हूँ गाइज, जिससे अगर आपको इसमें पैसा नहीं होंगे तो फिर आप वो तरीका फिर से देख सकते। इसको ऐसे और फिर ऐसे। चलिए ये हमारा हाफ स्टेप हो चुका है। मैं इसको साइड में रख लेता हूँ और फिर से मैंने आपको कहा था ना इसको रिपीट करूँगा वैसे ही, इसको भी वैसे ही करूँगा। इसको भी हाफ फोल्ड, इसको भी हाफ फोल्ड ऐसे जैसे हो जाएगा गाइस। और ये दूसरा वाला पेपर है, क्योंकि आपका जो पहला वाला पेपर है आप देख सकते हैं कि एक लाइन है। आपको इसको ऊपर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि पिछले बार हमने इसको नीचे की तरफ मोड़ा था। ऐसा करना होगा और फिर इसको ऐसे करके इसको भी वैसे ही फोल्ड करना होगा। ये हो गया गाइस, आप देख सकते हैं। अपने आपको दूसरे वाले का कर दिखाता हूँ। पहले मैंने इसको ऐसे लिया और फिर ऐसे लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों ये बहुत अच्छा डिजाइन फॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने इसको ऐसे इधर जाकर क्यों छोड़ा है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो फिर हम लोगों को इसको अंदर डालने में इजी होंगे। सबसे पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे फोल्ड करना है, जिससे हम लोगों को आसानी होगी बनाने में। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक निंजा स्टार, वो डायरेक्ट मैंने जैसा पहले स्टेप किया था ना, वो ऐसा नहीं करते। अगर आप उनकी तरफ से करेंगे तो फिर आपका निंजा स्टार ठीक से नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो साइड का पेपर है वो बाहर आ जाता है। अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो फिर आपका ये जो साइड का नहीं आएगा। ये मैंने दोनों ऐसे फोल्ड कर लिया है। पहले मैं इसको लूँगा और फिर इसको खोलूँगा, इसको भी ऐसे ही खोलूँगा और फिर इसको इसके अंदर डालूँगा जैसे मैंने आपको कहा था। हाँ गया। और अब वैसे ही आपको इसको ऐसे करना होगा। तो फिर हमारा एक साइड पूरा हो चुका है। अब हम लोग दूसरे साइड की तरफ चलेंगे। पहले आप इसको ऐसे करना होगा एक साइड को और फिर ऐसे इधर ऐसे कर डालना होगा, नहीं तो मैं आपको इसका एक सिंपली फॉर्म बताता हूँ। अगर आप कह नहीं जाए, मेरा भी वैसे नहीं जा था, इसलिए मैंने आप इसे नीचे कर भी लग सकते हैं। पहले मैं अपना ये सेटअप ठीक कर लेता हूँ। देखिएगा जब हमारे सीधा हो चुका है, अगर आप इधर देखेंगे तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे आपको मैंने कहा था। देख सकते हैं आप इसको मैंने कैसे किया है। तो फिर चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फिर चलिए मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बस देख सकते हैं मैं ये आपका ये मेरा मतलब हमारा ही ये मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब देख सकते हैं गाइस ये कैसे जाता है। मैंने इसको स्लो डाटा इसलिए ये ठीक से नहीं ये लागल आप चाहे
तो इसको ज्यादा ज्यादा करीब नहीं तो फास्ट स्लो जैसे आप डाल सकते। तो फिर चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।